नमस्कार, मैं विद्या एसएसवी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलायंस जियो के साथ भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इनके बीच में जो टैरिफ की लड़ाई चल रही है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप वह वीडियो देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कैसे जियो के एक कंप्लेंट्स के बाद ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन प्रीमियम प्लान्स को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया था। आप अगर इस पूरे टोटल एपिसोड को देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे ट्राई ने इमीडिएट जियो का कंप्लेंट आते से ही एक्शन लेकर उसके इनके प्लान्स को ब्लॉक करने का डिसीजन ले लिया। फिर वोडाफोन आइडिया ने अपील की थी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपेलाइट ट्रिब्यूनल TDSAT में अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्राई। इसके बाद टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलाइट ट्रिब्यूनल की तरफ से वोडाफोन आइडिया के लिए राहत की खबर आई। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। उसके पहले दोस्तों, घर बैठे बैठे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जियो फेसबुक डील ने काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया है मार्केट में। इसके पहले आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंजल ब्रोकिंग के लिंक से खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग देश का नंबर 1 फुल टाइम ब्रोकर है, जहाँ आप फ्री में चंद घंटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर मत कीजिए और आज ही एंजल ब्रोकिंग से अपना अकाउंट खोलिए नीचे दिए गए लिंक से। 16 जुलाई को जब ट्राई के इस ऑर्डर के बारे में मार्केट में जब न्यूज़ आई, वैसे ही वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई और अपने ओपन प्राइस 8.65 से इसने सीधा 7 रुपीज़ का लेवल छू लिया। इसके पहले से ही इस खबर के चलते वोडाफोन आइडिया ने 13 जुलाई से ही गिरावट आरंभ हो चुकी थी, जो 10.10 रुपीज़ का से चालू होकर 7 रुपीज़ पर रुक गई। और फिर 17 जुलाई के सेशन में जब यह खबर सामने आई कि टेलीकॉम डिस्प्यूट्स एंड अपेलाइट ट्रिब्यूनल ने ट्राई के ऑर्डर पर रोक लगा दी, जैसे ही इस खबर को मार्केट के भनक लग गई, वैसे ही वोडाफोन आइडिया ने अपने लो से लगभग 20% की छलांग लगाई और 8.90 अपने डे हाई से 10 पैसा नीचे पॉजिटिव क्लोज होने में कामयाबी हासिल कर ली। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया अपने हर एक पहलू में इम्प्रूव करने की कोशिश में लगी हुई है और इसका वोडाफोन रेडेक्स प्लान काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए और कस्टमर्स के लिए भी। सो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स होल्डर्स के लिए यह एक राहत की खबर है, पर अगर आप पैनिक में सेल करके एग्जिट हो गए तो काफ़ी दुख की बात है। इसीलिए आप पूरी जानकारी रखें ताकि दोबारा पछताना ना पड़े। और हाँ, पैनिक सेलिंग में कभी भी शामिल मत होना अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो। ट्राई ने भारतीय एयरटेल के प्लान को भी इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया था और उस पर भारतीय एयरटेल ने ट्राई के इस ऑर्डर को ऑनर करने की बात की थी। अगर वोडाफोन आइडिया के लिए आई राहत को देखते हुए अब एयरटेल क्या डिसीजन लेती है, यह देखने वाली बात होगी और इसके लिए आपको न्यूज़ और हमारे चैनल पर नज़र रखनी होगी। वोडाफोन आइडिया के लिए और एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेंडिंग है, जिसके बारे में भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। जहां भी सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया के लिए एजर ड्यूज़ को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की परमिशन दे देगा, वह इसके लिए बहुत ही बड़ा दिन साबित होगा और वोडाफोन आइडिया का बिजनेस दोबारा जोर शोर से उभर सकता है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है वोडाफोन आइडिया के लिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इनको राहत दे सकता है कुछ अपफ्रंट पेमेंट के शर्त के साथ। हम इतना सारा डिस्कशन वोडाफोन आइडिया के ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पॉजिटिव एफर्ट्स हम लोगों को दिख रहे हैं, जिसमें यह एक बम्पर न्यूज़ भी शामिल है जो अब तक आप लोगों के लिए वोडाफोन क्यों अगेंस्ट मल्टीबैगर बन सकता है इसका जवाब देगा। आपके सामने जो लेटर दिख रहा है वह वोडाफोन आइडिया ने NSE और BSE दोनों एक्सचेंजेस को सबमिट किया है आज की डेट में, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिछली सुनवाई का हवाला देते हुए कहा है कि हमने 17 जुलाई 2020 को और 1000 करोड़ रुपीज़ का पेमेंट अगेंस्ट AGR ड्यू किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, और यह 1000 करोड़ रुपीज़ मिलाने के बाद वोडाफोन आइडिया अपने टोटल 7854 करोड़ अब तक पेमेंट कर चुकी है। सो यह एक बहुत बढ़िया और अहम खबर है आपके लिए।
अगले सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के पहले इस तरह का एक्शन से हमें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इनको राहत दे देगा, और ऐसा होने से शेयर प्राइस में क्या इफ़ेक्ट आएगा यह आप सब जानते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।